cut across live now to Parliament to check what's happening in both houses. At the moment, there was a few road that was expected in both the houses. As the minister has said, we notice, we'll have the discussion on this. आप पूछिए, प्लीज पूछिए अपना. अध्यक्ष महोदय, हम सबको अध्यक्ष महोदय, हम सबको अध्यक्ष महोदय, हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और जब प्रधानमंत्री जी देश के वित्त मंत्री बने थे तो देश के लोगों को आमदनी में बहुत ज्यादा इनसे अपेक्षा थी, और ये कहा भी जाता है कि देश के अर्थशास्त्र को प्रधानमंत्री जी ने इतनी पर लाने का काम किया था, नई अर्थनीति लेकर वो आए थे. लेकिन आज अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को I know you are under great anguish. You are the old. Please listen to me. No, Karna Charan ji. Wait. Dekhiye, it is causing great anguish. And I said I will allow you in the 0 hour. Please. मंत्री महोदय, नहीं सवाल है, पूछा सवाल पूछिए. सवाल तो पूछिए, पूछ रहा पूछिए 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 सवाल पूछेगा. नहीं नहीं, जाने माने अर्थशास्त्री हमारे महोदय, जब देश को मालूम है कि प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री है, और अर्थशास्त्री होने के नाते देश के लोगों को बहुत सारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से थी. प्रधानमंत्री जब 91 में वित्त मंत्री देश के बने थे तो जीडीपी की बात शुरू हुई थी कि देश में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया. उस वक्त चर्चा होती है इनकी अर्थनीति की, लेकिन आज जो जवाब हमें मिला है वो निराशाजनक है. ये पूरे देश के अंदर ये सवाल है कि इन्होंने जवाब में भाई कैसे बोले, ये मंत्री लोग झगड़ा करेंगे तो कैसे होगा मैडम. क्या हो रहा है, हमने आज देश के अंदर जो इकोनॉमी की हालत है, जवाब में उन्होंने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जवाब में कहा है कि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, रिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज देश में वो नया बजट है उसमें 90,000 करोड़ रुपए की कमी आपने कर दी है. कोर में 25 साल से आज कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा, आज रेल के प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के नाम पे क्लियर नहीं हो रहे हैं, आज इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस रोड को नहीं मिला, तो सरकार की विल चाहिए. और जो सरकार ने आज तक जिस तरह की व्यवस्था की है उससे देश के लोगों को निराशा हुई है, और जो जवाब आया है क्या प्रधानमंत्री जी देश को आश्वस्त करेंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जब जीडीपी पे सवाल हो तो देश के प्रधानमंत्री उत्तर अगर कोई इसका जवाब देंगे तो देश के लोगों को लगेगा कि आज कोई उम्मीद की किरण जगेगी. लेकिन अध्यक्ष महोदय, देश के लोग नाउम्मीद हो गए हैं, पूरे देश के लोगों में निराशा का वातावरण है, और सरकार के तौर पर आज सरकार अपने तौर पर कुछ भी करने को तैयार नहीं. खड़े हो गए, सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ सवाल कितना लंबा है. यूरोपियन क्राइसिस की वजह से, यूरोपियन क्राइसिस की वजह से सरकार कहती है कि हमारा जीडीपी घट रहा है, लेकिन यूरोपियन क्राइसिस से जो यूरोपियन यूनियन, उससे सिर्फ हम 2% का व्यापार करते हैं, 98% व्यापार वहां से नहीं होता है. तो जब 98% व्यापार, सवाल पूछिए, सवाल भाई जल्दी करिए ना, इतने हंगामे में तो सवाल पूछ रहा हूँ. पूछिए, बड़ा गंभीर है मैडम. मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि जब जवाब में ये कह दिया गया ये यूरोपियन यूनियन की वजह नहीं है, सरकार की विल है, क्या सरकार की विल है
कि इन पॉलिसीज को ठीक करके देश की जीडीपी को हम पटरी पर लाएंगे या सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करेगी, देश के लोग उनसे ये सवाल जानना चाहते हैं। अनवर, जैसा कि सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है अर्थशास्त्री है और उन्होंने देश को आश्वासन दिया था, जब 2003-2004 में हमारी जीडीपी सिर्फ 4% थी, उस समय सरकार ने टेक ओवर किया और उसके बाद से आपको जीडीपी की अगर मैं आपको रिपोर्ट दूं, हाईएस्ट जो है 9.7% तक गई, 9.7% तक जीडीपी गई 2010 में। ये सही है कि 2012 में जीडीपी गिर के 4% था, उसके कई कारण है। एक तो ग्लोबल फैक्टर सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में जिस तरह से अर्थव्यवस्था का हाल रहा, सबकी जीडीपी गिरी, इंक्लूडिंग चाइना, कोई सिर्फ भारत की बात नहीं है। और अब जो हमारे पास ये कि करंट ईयर में 5% जीडीपी रहेगी और अगले साल बढ़ के 6.7% तक जा सकती है। सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के